सागर नवा आलमगीर कदुर पहजाए रहा है उन्हें में तवाजन रखने लायक कोशा असा पैंजी लोक डाक या दबी सकाफती सुणप ओहजान विजान ना चाहिए पर अड़े हक के तस्लीम करूँ था दुनिया की घण रगाई या गुनागुनियत जैमें घनी वैरायटी डाइवर्सिटी है अजकल मल्टाईलिंगुअल मल्टाई एथनिक मल्टाई कल्चरल मल्टाई कास्ट मल्टाई रिलीजियस ये इन किस्म जहाँ घना ही इस्तलाह उधर में अचन था उन दुनिया की फितरी सूह इंसानियत की कुदरी कुदरती विरासत में इतफाक या बदी यूनिटी इन डाइवर्सिटी सजो वे तो उन किस्म की जात पात रंग नस्ल की विरासत सबब मतभेद या तासुब न करण लाय शाह साहब साफ साफ चयो आहे त दात न आहे जात से जो वहे सो लहे या बे हंध चवे तो कड़ी पुछी थो जात जे आया से लगिया पूरा बैत नथी पढ़ा ये सिर्फ मुझसे तो चयो आहे या आहे इंसानी बराबरी मसावात ए इंसाफ दी गाल जेंजी अज भी जरूरत आहे अज एडन कदरन के बेहर राइज करण लाय आलिम अकाबर फिक्रमंद परेशान है आखिर इंसान एडो कठोर छो वे जो बे इंसान के दुखोण उन ना इंसाफी करण या रुगो मारण ले तैयार थे वे इन जो जवाब पिण असा लतीफ वट मिले तो वो चवे तो इंसान के दिल में एहसास दर्दमंदी खत्म थी वही है उनके दिल में दर्द धारण की तमाम घड़ी अहमियत दिए तो दुख सूर दर्द इंसान की जात में सोज उदास पेश पैदा करना है बेन एहसास वो पवे उन शाह साहब वो दुख सुख की सूह वो शाह साहब जो दुख जो फलसफो दुनिया में फैलाय की जरूरत है नौजवान के उनकी तालीम देने की जरूरत है जी वो गजी इंसान जात लाए कुछ करण जो सोची एकड़ो बैत है दुखियों जान न मिलन ताता भनण न थे बिहू हुए हथ हणन रोंदियों रोण वारियों जैसी हमदर्द हदोखी मानू न मिलता तैसी को कारज सर नथी सकंदो इन लाइ एक बे सा सूर सलण सा जरूरी आयन इन करे वरी अगते चवे तो अचो त सूरन वारियों करियों सूर पचार फारसी के एक क्लासिकी शायर फरीदुद्दीन अतार वट अड़ो ख्याल आहे उन्हें चयो आहे त कुफ्र काफिर रा दीन दीनदार रा जर्रे दर्द दिल अतार रा काफिर वट भले पैंजो कुफ्र हुजे दीनदार वट पैंजो दीन हुजे पर अतार के हिकड़े हसास शायर तकलीफकार के रुगो दिल जे दर्द जो ज़रड़ो थो खपे वो दिल जो दर्द इंसानियत जो विरसो आहे शाह साहब इन दिल के दर्द जो मुतलाशी है जो इंसान में एहसास जो रिश्तों जोड़ी है इंसान जात से दर्द जो रिश्तों सभी का उत्तम रिश्तों है बेहिस अणजान मत के मूड़न के दिल में इो को उसरन है यो सिर्फ दाहन जो दाज है लीला जो हार थे रिकण दुनिया की लालच जो मारियल बोलियों तो उनका वह वेंदियों तरह तई तो अल्लाह दाही मथिया दाहियों दुख दिसन मूसी मुँह पिन भोराई में बाल कया ये यो आगे जो अजाब दाहप जो दुख सिर्फ दाहिन के नसीब थो है उन लाए वो दिल बुर्दो खपे मिटाई के बैतम में दिनल यो दर्स समझण लाए भगत कबीर जो ही दोहो ऐसो जानत को दुख है अजानत को सुख मूरख बेचारा क्या जाने जिन्हें पेट भरण सो काज असी उए मूरख आयो जेके सजी हयाती पेट पालन के कार्य में पूरी कर छो इंसानियत के मसलन मामलन का अणजाने में आफियत समझो वेठा यो नथा जानो तो अज ग्लोबलाइजेशन के दौर में इंसानियत जा मसला नजरअंदाज करे नथा सकजन छो तो वे असाजे इंदड़ पीढ़ियों के भोगड़ा आयो शाह साहब असाके बुधायो है त ला इल्मी माना ऊंध अंदर जो अखियों पूरियल होजन तो भोराई में भाल खुश करण लाय काफी है जेकर डाही थियण में दुख है तो वो दुख ही भोगना सिर्फ भाग वालों के मिल सचल सरमस्त भी है तो जे सारो पुछा लोक तो गूंदर वारो न लहा जै अड़ो भलो थोक कें भाग करायो सच सच तो उ भाग वाला जिन वट बेहसी न पर एहसास है
छो तो इो अंदर में हुए तो इंसान पैंकी जिंदगी की परवाह छदे दिन कुर्बान कुर्बानी से तैयार थी वो है। शाह साहब एक है दुख लगो लूंगर भर भेनर खाणी भू मना लाथो मूँ संदो जीण आसरो जी के अड़ी झोरी लगी तो कोई चौधारी बाह भर वे लूंगर भरी था पवन धरती खामी थी उठे तदे मन में जीण जो आसरो ना है। इंसान हर किस्म की कुर्बानी देने ला तैयार थो वे जो भी बैत में लफ्ज अथस अंदर जिनी अंध अध लूंगर से डोरी अज उन झोरी की जरूरत है जहाँ नए नस्ल में एहसास की चिड़क जागे वो कम शाह के कलाम में वी सकते तो यही तो आलमगीर तालीम है जैसा इंसान जात लाइ दर्दमंदी रवादारी से एक आदर्शी दुनिया तख्लीक कर सके थी। शाह साई के अड़े कलाम के आम कर शागिर्द नौजवान में रवादारी जो गुण पैदा कर सिंध के तालीमी निज़ाम में निसाब में लतीफ के अड़ी जाए दियणी पवी न तो इन वक्त जी कुछ पाड़ तो वे उन शाह साहब अगे चई छो है पढ़ो था पढ़न कढ़न की न कुलूब में तीय तीय डोह चढ़न जी वर्क कराइन वितरा असाजे निसाब में बस रटे ते जोर है मुदे खारिज नजरिया मुख्तलिफ तबकन मसलकन मुल्क लाए मतभेद से भरल सबक कूड़न बदूड़न से भरल तारीख साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस्लामियात से सिलाड़े अजीब अजीब मफरूजा पढ़ाने ते जोर है। इंसानी भाईचारे मेलाप या विसाल जो को पन्नो को पाड़ो वे हैरत की गाल है टे सौ साल अग भी ये हो तो अज भी उ थे टे सौ साल अग शाह साहब हो मुला कोह मारी खारी खुथा बिन के वर्क के विसाल जा पन्ना से पाड़ी सा सिट न सेखारी जैमें पसंद प्रिय के इन गाल महसूस कदे सिंध के कुछ सुजाण साथियों की सलाह से मु स्कूली बारन जे लाए असान जो शाह लतीफ के नाले से अड़ा पंज नंढड़ा किताब तैयार कया हुआ जिनके स्कूल में राइज कर सकजे अड़ी गुजारिश भी सिंध हुकूमत के तालीम खाते के कई हुई सी पर ये थी न सको फिलहाल वो रुगो डॉक्टर सुलेमान शेख के मार्फत सिंध ग्रेजुएट्स एसोसिएशन के रोशन तारा नाले 28 स्कूल में राइज कर सी मुख्य उम्मीद है अजो के सेमिनार की रोशनी में इन गाल की अहमियत उजागर थियण का समूरा सुजाण सिंधी इन किस्म की तालीम के राइज करो किरदार अदा कदा जैकी इन वक्त सिंध में तमाम घड़ी जरूरत है सिंधी मानू ही वो किताब जे तैयार कया हुआ स्कूल के लिए सवाल ये शाह लतीफ ढो दुख है शाह लतीफ के समझण ढो वो मसलो है इन हवाले से शेयर तेल रखो है शेर है शाह साहब जो डोरिया डोरिया मना शालम मिला बोत मन अंदर जा लोच पेरिन के ते यो बचाए हो अंगोलिया थी उन्हें जो तर्ज हो या उन्हें जो ख्याल जे को आए सो फैज मत फैज वट सागी रीत मौजूद आए उर्दू में मुझे एक तमाम सुजाण साथी है मुखे वो पढ़ी बुधायो मुझे चो तो दिस तो केतरो सुठो फैज जो शेर आए तो जड़े मु वो बुधो तो मु सोचो तो उर्दू जो शेर तो समझी तो सके सिंधी जो शेर या बैत इनके दुख तो लगे डोरिया डोरिया मलह शालम मिला बोत मन अंदर जा लोच मच्छुर सा माठी थे फैज जो है शेर नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही नहीं विसाल मयसर तो आरजू ही सही हाँ इतने नंढड़े बार के विसाल मंजिल आरजू इन सभी की आखिर माना बुधाई पवी होंगी तो शाह जो जैसे अस कलाम बुधाई पढ़ाई तो लफ्जन जो मानाओं बुधाई पवी जी आम तरह स्कूल में थी है तो क्या था चई सकूँ तो असा शाह दुख्य है बारन के नथा पढ़ा सकूँ हूँ भी तालीमी निज़ाम जो योड़ो तरीक़ेकार है तो सबकन की ग्रेडिंग थी है सवला सवलिय शी बुधाबी जी जी बार की उम्र बदी क्लास बदलो तो थोड़ी दुख्य शुद्धियां तो वो अस में किताब पे किताब बो किताब टो कर ग्रेडिंग भी कई हुई
सिंध हुकूमत के एकड़े वजीर साहब वायदो भी कयो त असा इनके राइज करण में तांजी मदद कंदासी। उने खां पो केतरन फंक्शंस में वो मुखे मिलंदो रहयो आई आऊं हर दफे उनके याद दियारींदी हुयसि। एकड़े भेरे हिकड़ो सेमिनार में हलियो उन जे चांहि जे वक़्फ़े में बीठा हुआसीं। निसार थोरो साहब पासे में बीठो ऐं कायम अली शाह साहब बीठो त निसार थोरे खे तव्हां वधियसि ऐं मूं चयोमांसि त अदा यादि आहे तव्हांखे उहो छो जो मूंखे कई मूंखे यादि ॾियारिजो त पंजो दफ़ो हुयो जो मूं हुनखे चयो त अदा मुंहिंजो कमु कोन कयो तव्हां त कायम अली शाह साहब अञा मुख़ातिब थी चए थो हाणे हिते बि माण्हू कम खां नथा छॾनि। यानी तव्हां पंहिंजो को ज़ाती कमु खणी आई आहियां जंहिंजे करे हू मूंखे सभिनी जे साम्हूं ॾिठो पियो करे हिते बि माण्हू पंहिंजो कमु जेको आहे सो खणनि था अचनि त मूंखे ॾाढो ख़राबु लॻो। मूं पोइ कायम अली शाह खे बल्कि हुते बीठलनि खे ॿुधाइण जे लाइ मूं चयो सभिनी खे मूं चयो कमु मुंहिंजो ही आहे जंहिंजे लाइ ही साहब पंज दफ़ा मूं सां वाइदो करे चुको आहे। असां वटि रिस्पॉन्स मुंहिंजे भाउ सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी जे हवाले सां हिकिड़ी ॻाल्हि आउं करणु चाहींदसि त चयाई त जेकॾहिं असां चाहियूं सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी में हाणे आउं कान आहियां पर जेकॾहिं असीं चाहियूं त ॿारनि खे हुननि जी मार्फत सिंधी पढ़ाए सघूं था। मुंहिंजा बि भाउर बि हिते रहनि था उन्हनि जा ॿार उन्हनि खे बि मसला हिते सिंधी सिखण जा हुआ। मुंहिंजी भाइटी हिते हुई हुन मूंखे हुनखे वेही करे मूं फोन ते सॼियूं शयूं सम्झायो। सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी मूं हिकिड़ो कोर्स ठाहियो हो तव्हां मां जेके मुंहिंजे ख़्याल में सीनियर आहिनि इक़बाल खे ख़बर हूंदी या कुझु ॿियनि खे त आउं सतरि जे ॾहाके में सिंधी उर्दू बोलचाल प्रोग्राम कंदी हुयसि। वरी हाणे जॾहिं आउं सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी में आयसि त मूं हिकिड़ो नओं कोर्स ठाहियो हुनजो नालो आई एस सिंधी सीखे उहो बि रेडियो पाकिस्तान तां हले थो अञा ताईं हलंदो आहे। पर पोइ सभिनी चयो त न इहे उर्दू वारनि खे सम्झाइण लाइ आहे अंग्रेज़ीअ जो कोर्स बि हुअणु खपे। पोइ मूं वेबसाइट जे लाइ असांजी जेका सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी जी वेबसाइट हुई उन जे लाइ हिकिड़ो कोर्स ठाहियो लेट्स लर्न सिंधी ऐं उहो वेबसाइट ते मौजूदु आहे ऐं उहो एप्लीकेशन जी सूरत में मूं कन्वर्ट बि करायो ऐं उहो हिन वक़्तु बि मौजूदु आहे जेको कल्ह मूं पंहिंजी भाइटीअ खे वेही सॼो डाउनलोड करायो। ऐं अगरि तव्हां सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी जी वेबसाइट खोलींदव त उर्दू जो वारो बि हुते पियो आहे। उन जी ख़ासि ॻाल्हि इहा आहे छो जो तव्हां पंहिंजे ॿारनि जा मसला सम्झो था उन जी ख़ासि ॻाल्हि इहा आहे त असां हिकिड़ो जुमिलो जेके पहिरीं तालीम ॿिए सेखारियल आहे पर पोइ वरी जॾहिं असीं जुमिला था सेखारियूं या लफ़्ज़ था सेखारियूं त तलफ़ुज़ बि उचारण सही करण लाइ आवाज़ बि मौजूदु आहे। ॿियो त हुन में जॾहिं लिखियलु आहे त उहो रोमन में बि लिखियलु आहे सिंधीअ में लिखियलु आहे अंग्रेजी में तर्जुमो बि आहे ऐं रोमन में बि लिखियलु आहे। त तव्हांजे घरनि में जेके ॿार आहिनि उहे उन्हनि जी कन ते सिंधी पियल आहे ऐं उहे ॿुधंदा रहनि था। मुंहिंजूं ॿ नंढड़ियूं नोटियूं आहिनि उहे हिकिड़ी ऑस्ट्रेलिया में थी रहे हिकिड़ी लंडन में थी रहे जॾहिं ईंदियूं आहिनि सभु सम्झंदियूं आहिनि जवाबु कोन ॾींदियूं आहिनि। पोइ आउं हुननि खे चवंदी आहियां छा थियूं चवल आहे मूंखे सम्झ में नथो अचे। इहो तरीक़ो हूंदो आहे ॿार खे मोटिवेट करण जो त हू जवाब में पोइ ज़रूरत त ॿार खे हूंदी आहे पोइ कुझु न कुझु ॿ टे जुमिला ॿ टे लफ़्ज़ ॿ टे जुमिला सिखंदियूं ऐं अल्टीमेटली